दोस्तों, क्या आपने कभी पांडा के बच्चे को देखा है जो बिल्कुल किसी खरगोश की तरह लगता है? और क्या आपने कभी इस बंदर के बच्चे को देखा है जो आपकी उंगलियों से भी छोटा होता है? और क्या आपने कभी चमगादड़ के बच्चे को देखा है जो बिल्कुल किसी चूहे की तरह लगता है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एनिमल के न्यू बॉर्न बेबी से मिलाने वाला हूँ जो इतने प्यारे होते हैं कि उन्हें देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, बेबी पांडा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पांडा दुनिया के सबसे प्यारे और शरारती जानवरों में से एक हैं, और इनके छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन पांडा के न्यूबॉर्न बेबी को देखा है? अगर नहीं तो अब देखिए, पांडा का हाल ही में जन्मा ये बच्चा इतना छोटा होता है कि ये आपके हथेली में आसानी से आ जाता है। अगर आप एक वयस्क पांडा से इस बच्चे को कंपेयर करके देखें तो इनके आकार में काफ़ी फर्क होता है। और अगर सबसे पहले इस बच्चे को किसी ने देखा तो उसे यकीन ही नहीं होगा कि यह पांडा का बच्चा है। जब यह पैदा होता है तो इसका वजन सिर्फ 150 ग्राम होता है, और बढ़ते समय के साथ इसका आकार भी बढ़ता जाता है, जिसके साथ ये धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाते हैं। नंबर 9, बेबी डॉग। दोस्तों, पपी कितने प्यारे होते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जब ये न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी आंखें भी नहीं खुली होती। लेकिन 10 से 15 दिनों बाद जब इनकी आंखें खुलती है तो ये इतने नटखट हो जाते हैं कि ये जहाँ वहाँ उछल कूद करते हैं। और हम जब भी अपने आसपास ऐसे पप्पी को देखते हैं तो उसे उठाकर खेलने लगते हैं। और मैंने भी अपने बचपन में इन पप्पीज़ के साथ बहुत खेला है। ये प्यारे पप्पी इतने मासूम होते हैं कि जब ये एक बार आपसे घुल मिल जाते हैं तो ये आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते, और कई बार तो ये पीछे पीछे घर तक भी आ जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 8, बेबी डियर। दोस्तों, हिरन के बच्चे दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक हैं, और अगर आपने एक न्यू बॉर्न हिरन को देख लिया तो आप इसे पकड़े बिना नहीं रह पाएंगे। ये इतने प्यारे और मासूम होते हैं कि आपका मन बार बार इसे खिलाने को करेगा। लेकिन अगर आपको कभी ये मौका मिल जाए तो इनके प्यार में इतना अंधा मत होना कि आप खतरे में ही पड़ जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खतरा कैसा? ऐसा इसलिए कि इसकी माँ भी इसे बहुत प्यार करती है और आपको इसका दुश्मन समझकर आप पर हमला भी कर सकती है, और कई बार ऐसा हो भी चुका है। नंबर 7, जिराफ। दोस्तों, जिराफ दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक हैं, और अगर बात करें बेबी जिराफ की तो ये भी बहुत ही प्यारे होते हैं। जब इनका जन्म होता है तो ये लगभग 3 से 4 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें चोट नहीं लगती, जिसके 1 घंटे के अंदर ही ये चलने फिरने में सक्षम हो जाता है। आपको बता दूँ कि ये बेबी जिराफ अपनी माँ के कोख में ही पूरी तरह से विकसित हो जाता है, बस इंतज़ार होता है इसके जन्म का। ये बेबी जिराफ भी दूसरे जानवरों की तरह ही बहुत ही नटखट होता है, जो अपने नटखटपन से सभी को खुश कर देता है। नंबर 6, बेबी एलिफेंट। दोस्तों, हाथी इस दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक हैं, लेकिन इस हाथी को छोटे से बड़ा होने में लगभग 10 से 15 सालों का समय लगता है। ये बेबी एलिफेंट इतने प्यारे होते हैं कि हर किसी को इसके साथ खेलने का मन होता है, और जब ये एक बार किसी से घुल मिल जाते हैं तो वो उसे आसानी से नहीं छोड़ते। ये बेबी एलिफेंट अपनी माँ की कोख में लगभग 2 सालों तक रहते हैं, और ये अपनी माँ के कोख में ही इतने बड़े हो जाते हैं कि जब इनका जन्म होता है तो ये आधे घंटे के अंदर अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं, और अगले आधे घंटों में ये चलना भी सीख जाते हैं। ये इतने मासूम होते हैं कि बहुत जल्दी ही किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, जिसके बाद ये सिर्फ खेलने पर ही ध्यान देते हैं। नंबर 5, बेबी हिप्पो। दोस्तों, हिप्पो एक ऐसे जानवर हैं जो अपना ज़्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं, और अगर एक बार इन्हें गुस्सा आ जाए तो इनकी लड़ाई भी काफ़ी खतरनाक हो जाती है। वहीं अगर बेबी हिप्पो की बात करें तो ये बहुत ही प्यारे होते हैं। इनमें गुस्सा ना होने के कारण ये बहुत ही नटखट होते हैं। ये बेबी हिप्पो भी दूसरे जानवरों की तरह ही उछल कूद करते हैं,
और अपना ज़्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं, जहाँ ये और भी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और जब ये 5 साल के हो जाते हैं तो ये अडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर 4, स्नेक। दोस्तों, आपने बड़े सांपों को तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी न्यूबॉर्न स्नेक को देखा है? अगर नहीं तो अब देखिए, अभी आप जिस सांप को देख रहे हैं वो एक न्यूबॉर्न स्नेक है, लेकिन आप इसे खेल मत समझिए, क्योंकि एक बड़ा सांप जितना जहरीला होता है उतना ही ये बच्चा भी जहरीला होता है। इसलिए इस छोटे सांप को देख कर ये मत सोचना कि ये आपको नहीं काट सकता। हालांकि ये दिखने में तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अगर इसने काट लिया तो इनका कांटा पानी भी नहीं मांगेगा। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, अभी आप जिसे देख रहे हैं वो एक बेबी ऑक्टोपस है, जो एक सामान्य ऑक्टोपस से काफ़ी छोटा होता है। लेकिन ये इतना छोटा इसीलिए होता है क्योंकि मादा ऑक्टोपस एक बार में हजारों अंडे देती है, जो देखने में अंगूर के गुच्छे की तरह लगता है। अब अंडे इतने छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे ही होंगे। ये मादा ऑक्टोपस एक चट्टान के नीचे अपने अंडों के साथ बैठी होती है और उनकी देखभाल करती है, और इस दौरान ये बिना खाए पिए लगातार अंडों को सुरक्षित रखती है। और जब अंडों से बच्चे बाहर आते हैं तब तक ये मादा ऑक्टोपस इतनी कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये बच्चे अकेले ही अपने जीवन सफर पर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, फिंगर मंकी। दोस्तों, ये बंदर दुनिया के सबसे छोटे बंदर हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार आपकी उंगलियों के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, शायद ही आपने इससे पहले इतने छोटे बंदरों को देखा होगा। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि जब इसका असली आकार हमारी उंगलियों के बराबर होता है तो जब ये पैदा होते होंगे तब इनका आकार कितना होता होगा। तो आपको बता दूँ कि एक न्यूबॉर्न बेबी का आकार हमारी उंगलियों से भी छोटा होता है। वैसे आपको इतने प्यारे मंकीज को देखकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 1, बेबी बैट। दोस्तों, चमगादड़ के बच्चे भी बहुत ही क्यूट होते हैं, जो देखने में किसी चूहे की तरह लगते हैं। आपको बता दूं कि ये सफ़ेद चमगादड़ के बच्चे हैं, जो ज़्यादातर जंगलों में ही पाए जाते हैं, और ये हमेशा एक बड़े से केले के पत्तों पर ही लटके होते हैं। लेकिन जब ये न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनकी आंखें भी बंद होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार 5 सेंटीमीटर से भी कम होता है। वैसे आपको ये सफ़ेद चमगादड़ कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।